भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ओलंपियन धनराज पिल्ले ने खिलाड़ियों से उनके खेल जीवन में अहम भूमिका निभाने वाले अभिभावकों का सम्मान करने का अनुरोध किया है। धनराज मानकापुर स्थित विभागीय खेल संकुल में आयोजित खालसा महोत्सव की चौथे संस्करण के उद्घाटन अवसर पर बतौर प्रमुख अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर, विधायक कृष्णा खोपड़े एवं विकास कुंभारे, पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख, गिरीश व्यास और डॉ. मिलिंद माने, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, महोत्सव के संयोजक संदीप जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, धर्म सिंह ठाकुर, सॉफ्टबॉल महासंघ की अध्यक्ष मिताली नारंग आदि मौजूद थे। चार बार के ओलंपियन खेल रत्न पुरस्कार विजेता पिल्ले ने कहा, जो खिलाड़ी अपने अभिभावकों का सम्मान करते हैं वह मैदान पर जरूर सफल होते हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैंने 16 देश की नुमाइंदगी की, 4 ओलंपिक और 4 विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व किया। यह सब माँ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। परिवार के 4 बड़े सदस्यों से भी मुझे प्रेरणा मिली। पिल्ले ने खिलाड़ियों से खुद को हीन भावना से दूर रहने का अनुरोध करते हुए कहा, शुरुआत में जब मैं विदेश दौरे पर जाता था तो मुझे अंग्रेजी बोलने में परेशानी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अंग्रेजी सीख ली। सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि विफलता मिलने के बाद दूसरे दिन आपको सुधार का अवसर मिलता है। नागपुर की जनता सांस्कृतिक मूल्यों के साथ इतिहास और संस्कृति और विरासत को लेकर भी आगे विकसित हो, और उसके साथ साथ उसके यशस्वी कार्यक्रम के बाद हमने क्रीड़ा महोत्सव भी बड़े अच्छे तरीके से किया। सचिन तेंदुलकर से लेकर अनेक खिलाड़ियों को जो स्पोर्ट्स के आइकॉन हैं उनको हमने बुलाया। सचिन तेंदुलकर हमारे बीच में आए और आज धनराज पिल्ले जी हमारे बीच में आए। हमारा उद्देश्य है कि हम इनको इसलिए बुलाते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के सामने ये आदर्श रहे कि हम भी सचिन तेंदुलकर जैसे बने, हम भी धनराज पिल्ले जैसे बने, यही भावना आपके मन में निर्माण हो, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। अभी धनराज जी बता रहे थे कि वो बहुत अच्छा मराठी बोलते हैं, और मैं उनको बताने वाला था पर भूल गया कि थोड़ा मराठी में भी बोलिए। इतना सुंदर मराठी बोलते हैं, तो वो 3 पीढ़ियों से पूना में रहते हैं, अब मुंबई में है। पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते थे, अब एयर इंडिया में काम कर रहे हैं, और उनने पूरा अपना जीवन स्पोर्ट्स के लिए दिया है, हॉकी के लिए दिया है, प्रशिक्षण के लिए दिया है, नए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए दिया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।